इंग्लिश तो मतलब ये लॉकडाउन में तेरी इंग्लिश बेहतर ही हो रही है। क्योंकि यहाँ पे आई ना, इसलिए वो असर पड़ गया। अच्छा वाला। आप लोग के साथ रह रहे के अच्छे अच्छे असर पड़ने। हाँ, तू अंग्रेजी सीख रही है और हमें मराठी सिखा रही है। हाँ, क्योंकि बोलते कभी कभी ना मराठी भी अंग्रेजी की जैसी बहुत मुश्किल होती है सीखने। हाँ, पर तूने बचपन से सीखी है ना मराठी, तो तुझे आती है। हमने हम मराठी तो मराठी बोलेंगे। मुझे हिंदी नहीं आती थी पहले। तेरी हिंदी बहुत अच्छी है यार। हाँ, तो मैं जब मुंबई में आई ना, तब मेरी हिंदी अच्छी हो गई। नहीं तो पहले मुझे हिंदी नहीं आती थी। उसमें भी मैं आधा मराठी मिक्स करती थी, आधा हिंदी बोलती थी। नहीं आती थी मुझे पहले बोलते। मेरी मम्मा को तो अभी तक नहीं आती। मेरी मम्मा तो ना उस समय बोलती तू मराठी में ही बोल, चाहे तो मैं ट्रांसफर करती हूँ हिंदी में, किसी और को तुझे बोलना है तो। ट्रांसफर नहीं, ट्रांसलेट। हाँ, वही कुछ मतलब होता है ना, तू मराठी में बोल, मैं हिंदी में उनको सुनाती हूँ कि भाई मम्मा ऐसे ऐसे बोल रही करके। नहीं तो उसको तो आती नहीं थी। हाँ, ऐसा मतलब नहीं ना, उसकी वो हिंदी रहती थी। हाँ, फिर कैसे हो तुम, कुटे चाल, अरे कुटे चाल, किधर जा रहे हो ये बोल मम्मा। फिर वो बोलेगी हाँ किधर जा रहे हो, क्योंकि उसको भी इतनी हिंदी नहीं आती। आपको शौक होगा, उसका जन्म मुंबई में ही हुआ है, सांता क्रूज में। हाँ। मम्मा का मेरे, क्योंकि उनके मम्मी पापा वो बर्फ हाई स्कूल नहीं है। हाँ। वहाँ पे काम करते थे वो। जब वो स्कूल जब बन रहा था ना, तो वही बनाने के लिए उनके मम्मी पापा भी थे, मेरी मम्मी के। तो हाँ, तो उनका उधर ही मतलब सांता क्रूज में प्यार हुआ, प्यार का जन्म हुआ। तो उस जमाने में उन लोग की ज्यादा प्यार नहीं रहते थे, जो माँ बाप मतलब शादी कर देते थे, रिश्ता। तो वही होता था, तो मेरी मम्मा का भी वही होगा ना, इसलिए। और कुछ नहीं, मेरा जो इंग्लिश है वो खत्म हो रहा है अभी, मराठी सीख रहा हूँ। तो अच्छी बात है ना सर। बिल्कुल अच्छी बात है। तू बच्चों को भी सिखा रही है ना, तो आर्यमन और आयुष्मान को? बड़े भाइयों को तो अच्छे से आती है। हाँ, और छोटे भाइयों को भी आती है, थोड़े सीख रहे। छोटे भैया को ना थोड़े थोड़े वर्ड समझ में नहीं आते, तो फिर वापस मेरे को हिंदी में समझाना पड़ता है कि भैया मैं ऐसे पर बड़े भैया को आता है। बड़े भैया को आता है? हाँ, बड़े भैया को अच्छे आते हैं मराठी। ज्यादातर के उनका ये शब्द बहुत पसंद आता हो। क्योंकि सबसे आसान है। सबसे आसान हो। अरे नहीं सुन। हाँ। क्या लाइए तुम्हारे लिए? अभी आपके लिए मैं जाम और जाम, जाम मतलब पता है क्या होता है? शराब। ये जैम है। जैम जैम जैम। ओके, यो जैम है। मैडम बोल रही है, मुझे क्यों बोल रही है? सर आप ऐसे देख रहे थे इसलिए। सर आप बहुत अच्छे हो। मैं आपको थोड़ी ना बोली क्या कर रहे, तो आप हमेशा नाराज हो जाते हो। और अभी बोले हमेशा नाराज। सर नाराज होते, मैं नहीं नाराज होती, मैं तो बहुत नाराज होती हूँ। फंस गई ना तू? दोनों अच्छे हो आप, डाउट नहीं है उसमें। अच्छा, तो ऐसे है कि अगर कभी मैडम गुस्सा होते तो तब सर पे ऐसे बात करते, सर तो मतलब कम गुस्सा होते हैं। अरे वाह, अभी असलियत देख ली। वेरी हैप्पी। मैडम ने बोला था बाकी चीज तो लड़ाई कराएगी हस्बैंड वाइफ के बीच में। सुप्रभात। नहीं, सुप्रभात कौन है? अभी सुपोत। पेपर मधी। हाँ, अर्चना ने सुनवाई हाउस मेड की मजेदार बातें। पेपर में आया ये भाग्यश्री, तू स्टार बन गई है। मैं पागल हो जाऊंगी। क्यों? थैंक यू। तू हिंदी पढ़ने आती है ना तेरे को? जी। तो तेरे को आर्टिकल मैं भेजती हूँ तेरे फोन पर, और तू पढ़ लेना उसको। पर वो कैसे भेजेंगे व्हाट्सएप की? नहीं तो कैसे भेजोगे? अभी इस लॉकडाउन में तेरा व्हाट्सएप कैसे शुरू करवाऊं? तेरा फोन ठीक कराना है ना, तो ठीक है, तो मेरे व्हाट्सएप पर पढ़ लेना। हाँ, मतलब मेरे व्हाट्सएप क्या, यही मैसेज पढ़ लेना। हाँ, कैसे आ गया? बस टेक ना मैं। अरे तू स्टार बन गई है। अर्चना मैडम क्या मैं स्टार बन गई? देखना। इतनी बड़ी मैडम क्या, देखो। She's too cute. गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। क्या बोला अभी, फिर से बोल। तू क्या बोल रही है? तू छुप रही है बाथरूम में, प्लीज बोल। क्या छिपकली की क्या हुई है? डिलीवरी हुई है। छिपकली की डिलीवरी? छोटे छोटे बच्चे दिख रहे उसके, इसलिए। अभी मैंने छोटे भैया के रूम में देखा। छोटे भैया के कमरे में छिपकली? हाँ, अभी मैंने, वो भी इतनी इतनी सी। आई राम।
वो मैं उसको डर गई थी, वो मुझे डर के भाग गई। उसको लगा था इतना बड़ा जानवर मुझे खाने के लिए आया। उसको नहीं पता ना कि इतना बड़ा जानवर तो तुझे कैसे पता हुआ कि डिलीवरी हुई? मतलब क्या था? ऐसे बोलते जैसे अस्पताल खोला छोटा सा वहाँ पर और वहाँ पर डिलीवरी। वो छोटे छोटे से है ना इसलिए। तो कितने हैं? इतने से हैं। बट कितने हैं? उस दिन अपने किचन में एक था, अभी छोटे भैया के रूम में एक था, उस दिन आपके भी रूम में से नहीं निकला था। तो छिपकली तो सब घरों में होती है, मड आइलैंड के घरों में तो स्पेशली ज्यादा ही होती है, सांप छिपकली ये सब। घरों में बाहर ठीक है, घरों में नहीं। सांप तो घर के बाहर ठीक है, छिपकली तो घर के अंदर। अपने गार्डन में उनकी पूरी खानदानी। किनकी? सांपों की। तो उन्हें नाम रखे हैं क्या उनके? क्योंकि कभी इतना दिखता है, तो कभी इतना दिखता है, इसलिए वो पूरी खानदानी अपने घर पर। हमारे फैमिली मेंबर्स है ना? हाँ, वो भी अपने फैमिली मेंबर्स है। अच्छे, वो चाइना में नहीं भी चले तो वहां तो आज तक वो जिंदा भी नहीं रहती। सही बोला, खा लेते वो। सही बोला तो अपने तक तो भी पिक्चर जिंदा ही अच्छी। आई नो, हम तो उन्हें जाने देते हैं ना, हम लोग तो ना उनको मारते थोड़ी ना है। मारते मतलब हम लोग ही डर के मर जाएंगे उनको। ओके, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट। और भैया को पता है कि वो छोटे छोटे छिपकली की डिलीवरी हुई है वहाँ पर उसके कमरे में? छोटे भैया बड़े भैया के रूम में, हम लोग आप भी उधर रूम फाइनल करके आ गए, कपड़े का सब कपड़े विपड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। तो थोड़े से रह गए, तो वो भैया निकलने में तब तक खाना खाने गई थी ना। अच्छा। तो थोड़ा सा जो बाकी रह गए हैं। अच्छा। तो वो अभी कल जूतों का। अच्छा, आज तो बाकी के कपड़े रखती है। और ये क्या है तेरे हाथ? और जो कपड़े मतलब उनको नहीं चाहिए ना, उन्होंने वो निकाल के रखे, तो अभी आप डिसाइड कर लो क्या करने है उनका। इसको देना है या सर को फिटाएंगे तो सर को देना है या कुछ करना है। अच्छा, बड़े भैया के कपड़े सर को कैसे फिटाएंगे भाग्यश्री? कुछ कुछ बड़े बड़े है ना। कितने बड़े? सर भी फिट और फाइन है, सर का मोटे है। हाँ, बिल्कुल भी मोटे नहीं है। और अगर तू ऐसा बोलेगी कि मोटे है तो फिर सर तेरे को इतना डांटेंगे। अगर मोटे होते तो मैं बोल देती हाँ मोटे, पर मोटे नहीं है तेरे तो, पर तेरे जितना पतला तो कोई नहीं हो सकता भाग्यश्री। हाँ, आपको ऐसा लगता है? मैं तो इतना बड़ा जानवर जानवर वो डायनासोर के डायनासोर भाग्यश्री डायनासोर चले गए मुझे छोड़ भाग्यश्री यू किलिंग इट फाइनली सर को खुल के हंसी तो आई इस बात कि सर हंसे है ना। हाँ, रंगा खुश हुआ आज, आज रंगा खुश हुआ। खुश हुए आज, चलो आज मैंने सर को खुश कर दी। वेरी गुड, तुझे बोनस मिलेगा इस बात का। सर कितना? अब बोल दे। 100 रुपया फक्त? क्या तुम तो स्माइल से फक्त 100 रुपए? कितना? 100 रुपए पर डे। ओ, बाकी से क्या बोला मुझे समझ नहीं है, कितने रुपए? 100 रुपए मतलब 100 रुपए 100। ओहो, बहुत सस्ती स्माइल है इनकी। नहीं, नहीं, नहीं। भाग्यश्री बोलते मुझे नहीं चाहिए। इतनी सस्ती स्माइल सर, इतना मुश्किल से मैंने आपको हंसाया सर, खुद को डायनासोर। भाग्यश्री तूने मेरे पेट में दर्द करा दिया हंस हंस आगे। ओह सुपर, सर इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा भाव तो बढ़ा दो बस, सो जा तू। गुड नाइट, शुभ रात्रि। भाग्यश्री जी, मैंने तेरा जो पोस्ट किया ना, हाँ, उस पे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, तो लोग कितने तेरे लिए कमेंट्स देते हैं। इतनी अच्छी सारी बातें बोलते हैं, बोलते हैं हमारे लॉकडाउन में कितना मतलब खुशी लाई है भाग्यश्री। थैंक यू, कुछ तो कर पाए। और कि मस्ती भरी बातें करती है, और तो तुझे कैसा लगता है सुनकर? अभी हम इसका तो बोल नहीं सकते कितना हैप्पीनेस हो रहा है और कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने किसी को मतलब लॉकडाउन में खुश रखने की कोशिश की और वो तो सारा श्रेय आपको जाता है। अरे नहीं यार। क्योंकि आपसे सीखा है ना हमने लोगों को हंसाना। कुछ भी मतलब नहीं, क्या कॉमेडी अगर वो ठीक भी ना हो तो उस पे हंसना। तू मेरी राज की बातें खोल रही है भाग्यश्री। नहीं, पर आप किसी का दिल नहीं दुखाते। oh, उनको so मतलब आपको दिखा दो कि हाँ आपने अच्छा किया है, तो उनको भी खुशी हो जाती है और तसल्ली मिल जाती है कि वो इससे भी बेटर
कर सकते हैं। माय गॉड भाग्यश्री, और एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। भाग्यश्री तू ना, तू कितनी क्लास पास है? तीसरी। तीसरी, आर यू हियरिंग दैट फोक्स? थर्ड पास ओनली, थर्ड स्टैंडर्ड, एंड देन शी टॉक्स सो सेंसिबली। तू इतनी समझदारी की बातें करती है, और तू इतनी मतलब, इतने तो एजुकेटेड बहुत सारे, बहुत जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो भी ऐसी बातें नहीं करते। नहीं, वो भी आपका देख देख के सीख गई, क्या अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, ये भी आपसे ही हमने सीखा है। पहले तो मम्मा पापा से सीखा है, उसके बाद तो आप ही मिले हो। इसलिए लेकिन ना, तू मेरी तारीफ करती तो ऐसा ना लगे कि अरे यार भाग्यश्री मैडम की तारीफ। इसमें कोई झूठ नहीं है, शक नहीं है, जो रियल है वही बोल रहे हैं। यहाँ पे हम क्या शूट नहीं कर रहे हैं क्या, ये नहीं तो लोगों को दिखा रहे हैं। लेकिन ये पोस्ट, ये जो वीडियो मैं ले रही हूँ, ये एक्चुअली मैं लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन जो तू बोल रही हूँ उसमें स्क्रिप्ट नहीं है। लोगों को पता लग जाता है कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो दिल से और सच्ची में अच्छे से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी मैडम है क्यूट और एकदम सुंदर, और मेरी भाग्यश्री है उससे भी ज्यादा क्यूट और उससे भी ज्यादा अच्छी। आभारी आहो, देख मैंने, तूने मुझे सिखा दिया ये नया वर्ड, आभारी आहो। नहीं, हमारे सर भी बहुत स्वीट है। अभी सर दिख गए तुझे तो, सर के बारे में, तो सर के पीछे पड़ी रहती है? नहीं, मैं सर को बस खाली हंसाने की कोशिश करती हूँ। हाँ। क्योंकि सर भी अभी थोड़े टेंस में ना, वो कोरोना वायरस के वजह से, और वो बाहर वो खाना वाना देने जा रहे हैं। हाँ, और इतना सर कर रहे सबके लिए खाना, बाहर जाना भी नहीं, वो रिक्स उठा के दूसरों को पेट भरने के लिए इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं, तो वो मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। और मैंने उस दिन सर को शुक्रिया भी बोला, वो सर बोले कि स्वीट, दिखावा के लिए कर रहा हूँ कि सच्ची में लोगों को पेट भरे और अच्छा हो, यही बस खा ले। सर ने कोशिश की है, नहीं तो आपने भी, तो तू हंसाने की कोशिश कर रही है सर तो वही, अभी वो इतना कर सकते तो हम इतना नहीं कर सकते। सर अभी भी हंस रहे, देखो नहीं हंस रहे, किधर छुपे हुए ना कोने में कमरे के। सर सच्ची में आपको कुछ नाराजगी मेरे से, आप है तो वो मुझे क्लियर बोल दो। सर चुप है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मेरे को वीडियो में नहीं आ रहा है तेरे। क्यों सर, मैं इतनी बुरी हूँ? अरे देखा सर, अच्छा इशारे से बात कर रहे हैं सर तेरे से, क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? तू इशारा कर, ऐसे बोल रहे, अच्छा ऐसे कर। चल मैं वीडियो बंद करती हूँ वरना सर सर अभी सीरियस हो रहे हैं।